हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना परम्यूटेशन का चैप्टर। क्लास इलेवेंथ का चैप्टर है, ठीक है। क्लास इलेवेंथ का चैप्टर नंबर 7 है। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपके परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो परम्यूटेशन क्या होते हैं और कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, तो इससे पहले हम एक चीज, बेसिक सी चीज स्टार्ट कर लेते हैं, तो जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में बहुत हेल्प करने वाली है अपने में, वो क्या है कि जो आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को जैसे बनाओगे, कैसे जिस भी टाइप के क्वेश्चन को आप बनाओगे, तो उसमें आपको सिंपल सी चीज स्टार्ट करेगी, बेसिक सी चीज होती है। वो क्या होती है कि आपका फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्या चीज होती है वो, फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। तो इस चीज के बारे में पढ़ेंगे आज कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से आप देखोगे। एक तो होती है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जो हम सेट में करते आ रहे थे, सेट में जो अब तक करते आ रहे थे, तो मल्टीप्लीकेशन एंड दो ही चीज कर रहे थे, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन कर रहे थे, ठीक है। दो ही चीज तो कर रहे थे, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का काम कर रहे थे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के बारे में जानेंगे कि पहले देखो हम मल्टीप्लीकेशन के बारे में जान लेते। तो मल्टीप्लीकेशन क्या चीज होती है अच्छे से जानेंगे। देखो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में क्या काम होता है, देखो हमारे पास कुछ भी काम हो, हमारे पास कई तरह के काम होते हैं, ठीक है। उन काम के करने के तरीके कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज आपको इनमें दिखाई देगी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ये मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में हम कैसे यूज कर सकते हैं, सपोज करो आप मान लो क्या कि हमारे पास तीन जीन्स हैं, ठीक है, राइट। और कितने पांच टी शर्ट हैं अपने पास, पांच टी शर्ट हैं, तीन जीन्स और पांच टी शर्ट हैं, ठीक है। किस तरह से आपका तीन जीन्स, जीन्स वन मान लेते हैं, जीन्स टू मान लेते हैं, जीन्स तीन मान लेते हैं, आपके पास तीन तरह के जीन्स हैं। और टी शर्ट क्या है, पांच तरह की टी शर्ट है। कौन कौन सी आपके पास, टी-शर्ट 1, टी-शर्ट 2, टी-शर्ट 3, टी-शर्ट 4 और टी-शर्ट 5, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये आप एक साथ में दो चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। जींस टी शर्ट आप अगर जींस के साथ टी शर्ट पहनोगे तो ये एक साथ में दो काम कर रहे हो, ठीक है। एक साथ में जब हम दो काम करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, मल्टीप्लीकेशन कहलाता है, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन तो तीन जींस और पांच टी शर्ट, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप इन तीन जींस को और पांच टी शर्ट को किस कितने तरीके से आप पहन सकते हो, ये आपका क्या कहलाता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे जैसे मान लो कि आपके पास जींस है, टी शर्ट है, तो मैं एक जींस वन लूंगा और जींस वन पे क्या करूंगा, अलग अलग टी शर्ट को ट्राई करूंगा, अलग अलग टी शर्ट को ट्राई करूंगा, ठीक है, राइट। अलग अलग टी शर्ट को ट्राई करूंगा, ओके। तो जींस वन पे मैंने क्या किया, 500 टी शर्ट को अलग अलग ट्राई किया। सेकंड जींस पे मैं क्या करूंगा, अलग अलग टी शर्ट को ट्राई करूंगा, राइट। अलग अलग टी शर्ट को सेकंड जींस पे भी क्या करूंगा, मैं ट्राई करूंगा, ठीक है, ओके। थर्ड, अब मेरे पास जो थर्ड जींस बची है तो मैं भी उसको भी ट्राई करूंगा। तो इसका मतलब थर्ड जींस पे भी मैं क्या करूंगा, पांचों टी शर्ट को अलग अलग वे में ट्राई करूंगा, ठीक है। तीनों सॉरी थर्ड जींस पर भी मैं क्या करूंगा, पांचों टी शर्ट को अलग अलग वे से ट्राई करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर कितने कॉन्सेप्ट आएंगे, जींस को पहनने में और टी शर्ट को दोनों को मिला के पहनने में कितने कितने इवेंट आए। तो देखो मान लो क्या कि आपके पास जो है
जींस को पहनना एक काम है, तो मैथमेटिक्स में हम क्या कहते हैं काम को, इवेंट बोलते हैं, इवेंट, ठीक है, इवेंट ऑफ ए क्या कहलाता है, इवेंट ऑफ ए कि हम तीन जींस को पहन रहे हैं, ठीक, और इवेंट ऑफ बी क्या कहलाता है, हम पांचों की पांचों टी शर्ट को पहन के देखेंगे, इवेंट ऑफ बी, ठीक है, इवेंट ऑफ बी क्या कहलाता है, पांचों के पांचों टी शर्ट को पहन के देखेंगे। तो हम, मैं क्या बोलूंगा कि अगर आप जींस वन पहन रहे हो, टी शर्ट थ्री पहन रहे हो, जींस वन पहन रहे हो, टी शर्ट थ्री पहन रहे हो, तो हिंदी का वर्ड आया और, ठीक है, तो इसका मतलब इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, एंड, या तो देखो जींस वन और टी शर्ट थ्री, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वर्ड आने वाला है तो उस वर्ड पे इस इन क्वेश्चन की अहमियत है, तो वो वर्ड कौन सा आपका, वो वर्ड आपका एंड। तो इस वर्ड का ध्यान रखना कि जब एंड आ जाए तो वो मल्टीप्लीकेशन में होता है, ठीक है, जिस कॉन्सेप्ट में आपका एंड आ जाए वो आपका मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा, ठीक है, ये चीज हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना। तो अब देखो कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे अपने पास, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट निकालेंगे तो कितने होंगे अपने पास, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ इवेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इवेंट इवेंट ए एंड इवेंट बी, ठीक है, इवेंट ए या जींस, जींस के साथ आप टी शर्ट को मैच कर रहे हो, जींस भी पहन रहे हो और टी शर्ट भी पहन रहे हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो इवेंट ए और इवेंट को बी को करने के तरीके आप देख लो, पांच तरीके से यह जा रहा है, पांच तरीके से ये बन रहे हैं, पांच लाइनें यहाँ आ रही है, पांच लाइनें यहाँ आ रही हैं, पांच लाइनें यहाँ पर हैं, तो टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। और जब हम, आप यहाँ पर चेक करोगे इन दोनों को, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 15 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो किस तरह से करते हैं, इवेंट ए की मल्टीप्लाई इवेंट बी के साथ करा देते हैं, इवेंट बी के साथ करा देते हैं, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 गुना 5 आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, 15 हो गए, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, 15 हो गए, ठीक है। आप 15 बार जींस एक, 15 बार जींस और टी शर्ट को ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास इवेंट ये चीजें हैं, ठीक है, तो आप जींस और टी शर्ट को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मेरे पास तीन जींस ना हो के, मान लो एम टाइप के कुछ, मेरा एक इवेंट, इवेंट ए जिसे मैं इवेंट ए बोलूंगा, इवेंट ए बोलूंगा, वो मेरा कितने तरीके से है, वो मेरा एम तरीके से, एम टाइप है, ठीक है, और इवेंट बी सेकंड, इवेंट बी, इवेंट बी वो मेरा कितने तरीके से है, वो मेरा एन तरीके से है, एन तरीके से, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का सीधा सिंपल क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने आएंगे अपने पास, एम इंटू एन आएंगे, ठीक है भाई, एम इंटू एन। तो ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपका ये आ गया, ठीक है। तो इसमें आप सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, अगर ऐसी चीजें आ जाए तो हम किन्हीं भी दो काम को एक साथ कर सकते हैं, किसी भी दो काम या दो से ज्यादा काम को एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कोई काम क्या होता है कि कोई एक या दो से, दो या दो से ज्यादा काम होते हैं जो हम एक ही टाइम में उसको कर पाते हैं, तो वो उस, वो कहाँ ऐड होंगे, तो ये तो आपका मल्टीप्लिकेशन का समझ आ गया होगा आपको कि मल्टीप्लिकेशन हमने क्या लगाना, एंड लगाना है, और एंड से ही हम टोटल नंबर ऑफ इवेंट निकाल सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब सेम चीज, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, एडिशन मांगा, ठीक है, एडिशन मांगते हैं, तो एडिशन में तो सिंपल सी चीज है, ठीक है, तो एडिशन में हम क्या देखेंगे कि कोई भी दो काम या उससे ज्यादा काम हम सिर्फ एक ही बार में कर सकते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे जैसे आपके पास तीन जीन्स हैं, तीन जीन्स हैं,
पांच टी शर्ट है अलग अलग। अगर आपको जींस पहननी है तो आप जींस वन पहनोगे, ठीक है। मान लो आपके पास तीन जींस है, जींस वन, जींस टू, जींस थ्री, ठीक है। तो आप एक चीज चेक करो कि आप जींस को एक बार में एक ही पहन सकते हो, ना कि आप सारी कंटिन्यू पहनोगे, ठीक है। आप एक बार में एक जींस पहन सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बेस्ट एग्जांपल यहां से ले रहा हूं। मैं बेस्ट एग्जांपल वो क्या होगा कि मेरे पास तीन रेड टाई है, ठीक है। इवेंट ए, इवेंट ए, इवेंट ए क्या कह रहा है कि रेड टाई, रेड टाई। तो रेड टाई कितनी है? रेड टाई हो गया आपके पास आर वन, आर टू और आर थ्री, तीन रेड टाई है, ओके। और वहीं इवेंट बी, वहीं पर इवेंट बी क्या कह रहा है? इवेंट बी मेरे पास ग्रीन टाई है, ग्रीन टाई, ठीक है। अब आप देखो, टाई तो हम एक बार में एक ही पहन सकते हैं, तो टाई वन, सॉरी ग्रीन, जी वन, जी टू, जी थ्री, जी फोर, चार ग्रीन टाई ले ली मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखो, आप टाई को एक बार में एक ही टाई यूज कर सकते हो, ना कि आप अलग अलग यूज कर सकते हो, या आप अलग अलग यूज कर लोगे, नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब हम एक बार में एक काम कर रहे हैं तो वहां पर एक वर्ड आएगा, सिंपल सा वर्ड है, वो आप चेक कर लो। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या वर्ड आएगा? इन दोनों के बीच में वर्ड आएगा और, ठीक है। या तो आप रेड टाइप पहन सकते हो या फिर आप ग्रीन टाइप पहन सकते हो, ठीक है। तो एक बार में आप एक टाइप पहन सकते हो, तो कितने टोटल, कितनी बार प्रैक्टिस करोगे आप? 7 बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आप कितनी बार प्रैक्टिस करोगे यहाँ पर? 7 बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ इवेंट निकालेंगे, मल्टी, ये एडिशन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आप एक बार में एक काम कर सकते हो, या तो हम इवेंट ए कर सकते हैं, इवेंट ए कर सकते हैं, या फिर इवेंट बी कर सकते हैं, या फिर हम इवेंट बी कर सकते हैं, ठीक है। और जब ऐसा आ जाए, तो जितने भी आप इवेंट ए है, इवेंट ए में आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? तीन दिखाई दे रहे हैं। इवेंट बी में चार दिखाई दे रहे हैं, तो चार तरीके से इसको पहन सकते हैं, तीन तरीके से इसको पहन सकते हैं। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट हम कितने कर सकते हैं इधर? 7 कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में ये आ जाता है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन नहीं, एडिशन में। और एडिशन में हम को सीधा सा फार्मूला क्या यूज करेंगे? अगर मेरे पास इवेंट इवेंट ए है, इवेंट बी है, मान लो इवेंट ए एम तरीके हैं, इवेंट बी एम तरीके हैं, तो यहां पर हम टोटल नंबर ऑफ इवेंट कैसे निकालेंगे? यहां पर हम टोटल नंबर ऑफ इवेंट कैसे निकालेंगे कि इवेंट ए यूज कर सकते हैं, इवेंट ए यूज कर सकते हैं, या फिर इवेंट बी यूज कर सकते हैं एक बार में। तो इसका मतलब एक बार में एक चीज यूज होगी, तो आपके पास जितने भी टोटल हैं उनका क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। ये आपका है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आएगा कॉन्सेप्ट इतना, ठीक है। तो चलते हैं, हमने देखो ज्यादा कुछ नहीं है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, सिर्फ इन दोनों चीजों को आपको समझना था, और ये चीज आपके कंपटीशन लेवल भी बहुत काम आने वाली है। तो ये जस्ट मैं आपको एनसीईआरटी करवाऊंगा, और एनसीईआरटी क्या होता है? बेसिक लेवल होता है, बेसिक लेवल से आप अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पर मैंने आपको जस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके एनसीईआरटी के, ठीक है। तो देखो क्या बोला इस एग्जाम्पल नंबर 1 में कि हमने फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है, विच कैन बी फॉर्म आउट द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। आपके पास ये वर्ड दिया गया है, ठीक है, और बोला है कि रिपीटेशन जो है लेटर की वो नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड,
समझाता हूँ रिपीटेशन रीजन। पहले तो हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि आपके पास एक वर्ड दिया गया है, कौन सा? रोज। रोज ये आपके पास एक वर्ड है, ठीक है। इस वर्ड को हम चा कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? बोला कि विद, या तो मीनिंग हो या फिर बिना मीनिंग के, मतलब इन वर्ड, इन लेटर के, इस वर्ड के जो लेटर हैं वो हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से बना सकते हैं जो कि बिना मीनिंग या फिर विद मीनिंग हो, ठीक है। तो देखो किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो आप चेक करोगे कि हाँ, आप देखो रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसका मतलब जो बोला है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसका मतलब जो बोला कि देखो रोज है, रोज है, ठीक है। तो आर आर डबल नहीं आना चाहिए, ये आपका गलत हो गया। सिर्फ फोर लेटर का हमें बनाना है, ठीक है, फोर लेटर का बनाना है। ये आपका रिपीटेशन यहाँ पर आर आर जो है वो रिपीट हो गया, तो ये आपका नहीं होना चाहिए। वैसे आपसे यही चीज बोल रहा है, ठीक है। ओ एस ई, कोई भी लेटर जो हो वो आपस में रिपीट नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों से बोल रहा है, ठीक है। तो चेक करो, चेक करो क्या कि चार लेटर आने चाहिए, तो चार बॉक्सेज आप बना लो, चार बॉक्सेज आप बना लो, ठीक है। एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन और चार, ठीक है। तो इन चार बॉक्स में देखो, आप पहले अपने आप से रफ काम करके देखो। अगर मैं यहां पर रफ करता हूं तो मैं रोज, एक तो ये बन गया, फिर ओ एस ई आर कितने बन रहे हैं, ठीक है। एस ओ ई आर देखो कितने बन रहे, मतलब पता नहीं कितने अनलिमिटेड वर्ड बनेंगे, ठीक है। तो इसी को बनाने के चक्कर में हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि कितने आपके ऐसे वर्ड बन रहे हैं जो विद और विदाउट मीनिंग बनाएंगे, तो वो चीज हमें चेक करनी है। तो देखो रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो इसका मतलब जो आपका लेटर रिपीट हो चुका है वो दोबारा नहीं आना चाहिए। अब मान लो, तो फर्स्ट बॉक्स में मैं चारों लेटर को फिल कर देता हूँ, चारों लेटर को क्या कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ, ठीक। अब जैसे ही मैंने चार लेटर फिल किए, जैसे ही मैंने चार लेटर फिल किए, बाकी बचे कितने हैं, तीन लेटर। अगर मैं उस फोर्थ लेटर को भी रिपीट करता हूँ, अगर मैं उस फोर्थ लेटर को भी रिपीट करता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, रिपीटेशन हो जाएगी, तो मैं, मुझे रिपीटेशन नहीं चाहिए। तो अब बचे कितने मेरे पास, तीन लेटर बचेंगे, तो तीन लेटर आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, तीन यहाँ पर इवेंट लिख सकते हो। नेक्स्ट, अब मेरे पास दो लेटर तो अरेंज हो चुके हैं फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर, अब थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर हमें रिपीट नहीं चाहिए, तो कितने बचे हैं आपके पास, टू बचे हैं, तो टू यहाँ पर लिख दो और वन यहाँ पर लिख दो, ये आपके पास है, ठीक है। यहाँ पर जो इवेंट होंगे, तो ये जो है आपके जितने भी इवेंट आपके रिपीट हो रहे हैं, ये क्या इवेंट है, इवेंट ए, तो मैं यहाँ पर जो ऊपर लिख रहा हूँ वो आपका इवेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये इवेंट ए है, ये सारे के सारे इवेंट ए है, ये बी इवेंट है, ये सी इवेंट है, ये डी इवेंट है, राइट। देखो अब हम इसको बार बार फिल कर रहे हैं, तो बार बार क्या मतलब, एंड का यूज करेंगे, मतलब इन चार बॉक्सेस में हम कुछ ना कुछ एक साथ ही काम करें। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम एक साथ काम करें ना, चाहे दो हो या उससे ज्यादा हो, उनमें अगर हम एक साथ काम करें तो वहां पर क्या लगता है, हमेशा एंड लगता है। तो मैं यहाँ पर जो लिखूंगा वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट फिल द प्लेसेस, ये सारे इवेंट क्या है, ये सारे इवेंट आपके फिल द प्लेसेस, ठीक है। ये सारे सारे आपके इवेंट क्या है, फिल द प्लेसेस, कि ये प्लेसेस आपको फिल करना है, वो आप कितने तरीके से करोगे वो आप खुद बताओगे, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो हो जाएंगे, तो वो आपका इवेंट ए, इवेंट ए और सॉरी एंड इवेंट बी, इवेंट बी एंड इवेंट सी एंड इवेंट डी, ठीक है। तो सारे एंड हो गए, तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, इसको कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आ गया 24 डिफरेंट वे टू फिल द
बॉक्सेस या फिल द प्लेसेस विथ और विदाउट मीनिंग, ठीक है ओके। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है आपके पास। और परम्यूटेशन कम्बिनेशन में क्या है, आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे सिंपल होंगे और सारे के सारे अलग तरीके के आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो टेंशन मतलब मैं आपके पास एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो अब आप एक चीज और समझो, यहाँ पर अगर यहाँ पर लेटर इज नॉट अलाउड की जगह नॉट नहीं आता, अलाउ होता, अलाउ होता, देखो मैं ये जो काम करूंगा ये नॉट के बजाय करूंगा, तो यहां पर मैं ग्रीन पेन से कर रहा हूं, अलाउ होता तो मैं क्या करता, आर 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 भी लिख सकता था, ठीक है, ओ ओ ओ ये भी लिख सकता था, राइट। हमें तो चार लेटर चाहिए थे, चाहे रिपीटेशन अलाउड है तो इस तरह कर लेंगे। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो फोर्थ पहले प्लेस को हम चार तरीके से बच सकते थे, दूसरे को भी चार, तीसरे को भी चार, चौथे को भी चार, फिर इन सभी की मल्टीप्लाई आप कर लेते तो कितना आ जाता, चार की पावर चार, 256 वेज से हम फिल कर सकते थे, ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। तो नोट नहीं, अगर भी तो नोट है तो नोट के अलावा और सब चीज को हटा देते हैं, ठीक है ये चीज। तो आपके पास ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल उठाते हैं, अब आपके पास एक सेकंड एग्जांपल आया, देखो आप वो क्या कह रहा है कि अगर हमने चार फ्लैग लिए हैं, चार फ्लैग लिए हैं डिफरेंट कलर के, ठीक है, तो हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेट, कितने सिग्नल हम जनरेट कर सकते हैं यदि सिग्नल रिक्वायर द यूजेज ऑफ टू फ्लैग वन ब्लू द अदर, कि हमें दो फ्लैग का यूज करना है, दो फ्लैग का यूज करना है और दो फ्लैग को ऊपर नीचे रखना है, और उस ऊपर नीचे रखने से हमारे पास सिग्नल आएंगे, तो कितने तरीके से हम अलग अलग तरीके से उस सिग्नल को फील कर सकते हैं ये आपको बताना है, देखो क्या क्या तरीका है वो। तो हमारे पास चार फ्लैग हैं, तो मैं चार फ्लैग के लिख लेता हूँ कि अपना एक तो फ्लैग हो गया रेड रेड, ठीक है, दूसरा फ्लैग मान लो ग्रीन हो गया, ठीक है, दूसरा ग्रीन हो गया, तीसरा येलो हो गया, येलो हो गया, चौथा ये आपका ब्लैक हो गया। तो यहां पर मेरे पास चार फ्लैग हैं अलग अलग, ठीक है, और मुझे क्या रखना है, इनको ऊपर नीचे रखना है, तो ऊपर नीचे रखने के लिए हम प्लेसेस बना लेते हैं, तो यहां पर हम इवेंट जो इवेंट ए है, जो इवेंट ए है वो आपके ऊपर की तरफ रखेंगे, इवेंट ए क्या होगा ऊपर की तरफ रखेंगे, इवेंट बी क्या होगा नीचे की तरफ रखेंगे, इवेंट ए ऊपर की तरफ रखेंगे, इवेंट बी ऊपर नीचे की तरफ रखेंगे, तो आपको क्या कन्फर्म पता है कि हम ऊपर कौन सा रखने वाले हैं, नहीं पता ना, या तो आप रेड रख सकते हो फिर इसके नीचे ग्रीन, या ऊपर ग्रीन रख सकते हो इसके नीचे रेड, कुछ कितने तरीके से आप रख सकते हो ये हमें पता लगाना है, ठीक है, बी वाई कितने तरीके से रख सकते हो, अनलिमिटेड तरीके से आप रख सकते हो, ठीक है, तो अनलिमिटेड तरीके से रख सकते हैं, तो आप एक चीज चेक करो, इनको मैं कट कर रहा हूं, देखो इवेंट ए में हम कितने तरीके से रख सकते हैं, अब मेरे पास कितने फ्लैग हैं, टोटल चार हैं, टोटल कितने फ्लैग हैं, चार है, तो इवेंट ए में मैं क्या रख सकता हूँ, चार फ्लैग रख सकता हूँ, चारों के चारों रख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इवेंट बी में मैं कितने रख सकता हूँ, देखो अगर आपके पास एक फ्लैग ऊपर यूज हो चुका है, यहाँ इवेंट ए में आपके पास एक फ्लैग क्या हो गया यूज हो चुका है, तो इवेंट बी में कितने बचे, तीन बचे, सिंपल सी चीज है, इवेंट बी में कितने बचे, तीन बचे, तो तीन तरीके से हम यहाँ रख सकते हैं, और दोनों को यूज करना है तो एक ही टाइम में दोनों को यूज करना है, तो मैंने क्या वर्ड बताया था आपके पास, एंड आ जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, ठीक है, बस यहां आपका आंसर आ जाएगा, कैसे देखो, अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट आ गए, टोटल नंबर ऑफ इवेंट
इवेंट्स विच जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल इफ यूजेज ऑफ टू फ्लैग्स, ठीक है, तो जनरेट हो जाएंगे. तो कौन कौन से इवेंट, दो इवेंट हैं, इवेंट ए एंड इवेंट बी, दोनों को एक साथ यूज करेंगे तो इससे क्या आएगा, इवेंट ए में कितने हैं, चार हैं, इवेंट बी में कितने हैं, तीन हैं, एंड आया तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितने आ जाएंगे, 12 डिफरेंट सिग्नल्स आर जनरेटेड व्हेन यूज टू फ्लैग्स डिफरेंट टाइम, ठीक है. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12, आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है. तो उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल भी आपको समझ आया होगा, ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो एनसीईआरटी का नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास आ चुका है. क्या बोला इस एग्जाम्पल ने कि आपका जो है हाउ मेनी टू डिजिट इवन नंबर्स, कितने ऐसे जो नंबर है जो इवन नंबर बन सकते हैं, कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट, ये सारी डिजिट यूज करनी है आपने, 1, 2, 3, 4, 5, और डिजिट क्या है, रिपीटेड है. अब आप चेक करो, सिंपल सी चीज आप चेक करो, वो क्या है, क्या आपके पास इवन नंबर है, इवन नंबर है, राइट. आपके पास कौन से नंबर है, इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो इसका मतलब अपने पास जो लास्ट डिजिट यूज होगी वो कितना यूज होगा, 2 और 4, ठीक है. अगर मुझे इवन नंबर बनाना है, इवन नंबर बनाना, अरे अगर मुझे ये इवन नंबर बनाना है तो लास्ट में मुझे कौन सा डिजिट यूज करनी पड़ेगी, इवन नंबर यूज करनी पड़ेगी, और दो डिजिट बनाने हैं, दो डिजिट बनाने हैं, तो इसका मतलब दो डिजिट बनाने हैं, तो यहाँ पर मैं दो बॉक्सेस बना लेता हूँ, ओके, दो बॉक्सेस बना लिए, राइट. तो लास्ट बॉक्सेस में मैं कौन कौन से नंबर यूज कर सकता हूँ, सिर्फ 2 और 4 यूज कर सकता हूँ. लास्ट बॉक्सेस में मैं कौन से यूज कर सकता हूँ, 2 और 4 यूज कर सकता हूँ. हाँ, फर्स्ट यूनिट में आप सारे के सारे यूज कर सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, 5, ये सारे नंबर आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है. तो बोला कि अगर इनकी मदद से, इनकी मदद से आपके पास कितने नंबर जनरेट हो जाएंगे वो आपको पता लगाना है, ठीक है. तो इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, देखो आप कि जो आपके पास इवेंट ए है, ये आपका इवेंट ए है, इवेंट ए है, और यहाँ पर आपका इवेंट बी है, यहाँ पर आपका इवेंट बी है. तो इवेंट ए में हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, 5 तरीके से यूज कर सकते हैं, इवेंट बी में 2 तरीके यूज कर सकते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट विच इवन नंबर कैन बी फॉर्म, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट आप निकालो, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट ए एंड इवेंट बी, तो यहां से टोटल नंबर ऑफ इवेंट आ जाएंगे आपके पास, जो कि कितने आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 2 कितने आ जाएंगे, 10 नंबर ऐसे आ जाएंगे जो इस तरह से, इस इन तरह की हेल्प से आपके इवन नंबर बना सकते हैं, ठीक है. तो एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं आपके पास. आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आ चुका है, तो इस एग्जाम्पल को हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना. बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल, डिफरेंट सिग्नल यहाँ पर बताने हैं, जनरेट अरेंजिंग एटलीस्ट 2, क्वेश्चन समझना, एटलीस्ट 2, कम से कम 2 फ्लैग चाहिए ऑर्डर बनाने के लिए, एक के नीचे एक, एक के नीचे दूसरा, ठीक है. वर्टिकल स्टेप, वर्टिकल स्टेप मतलब जो आपके पास ये पाइप वगैरह होते हैं जहां पर हम फ्लैग को रखते हैं, हो यदि 5 डिफरेंट फ्लैग अवेलेबल हैं, तो मैं देखो फ्लैग बना लेता हूं आपके पास, एक तो रेड हो गया, ठीक है, दूसरा ग्रीन, तीसरा इंडिगो, आई ले लेता हूं, ठीक है, चौथा, और ये क्या हो जाएगा, स्काई ब्लू, ठीक है, स्काई ले लेता हूं, और लास्ट वन ब्लैक ले लेता हूं, ठीक है. ये 5 फ्लैग आपके पास आ चुके हैं जो कि कम से कम दो यूज करने पर आपको अलग अलग तरीके से साइन बताएंगे, ठीक है, ठीक है. तो चेक कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं. बोला है कि फर्स्ट बॉक्स बनाता हूं मैं, फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा,
एक के नीचे एक फ्लैग आएगा, एक के नीचे एक फ्लैग आएगा, ठीक है, एक के नीचे क्या फ्लैग आएगा, एक फ्लैग आएगा। तो ये आपका इवेंट इवेंट हो जाएगा, इवेंट इवेंट ए, नीचे जो हो जाएगा इवेंट बी, इवेंट बी। अब आप देखो कम से कम दो फ्लैग मुझे चाहिए, कम से कम दो फ्लैग मुझे चाहिए, तो मैं इवेंट ए में कितने फ्लैग यूज कर रहा हूँ, पांच के पांच यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने इवेंट ए में पांच के पांच फ्लैग यूज किए हैं और इवेंट बी में कितने फ्लैग रह जाएंगे, एक तो यूज हो चुका है, पांच में से कोई एक तो यूज हो चुका है, तो कितने बचे, चार बचे। तो इवेंट बी में कितने फ्लैग यूज होंगे, चार यूज होंगे। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ इवेंट, यहां से टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने आ जाएंगे, मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। 5 गुना 4 कितना हो जाएगा, 20, 20 यहाँ से आ गए टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ये कम से कम दो का था, यहाँ पर मैंने क्या इतना यूज किया, एटलीस्ट टू फ्लैग, मतलब अरेंज टू फ्लैग, यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, अरेंज टू फ्लैग, अरेंज टू फ्लैग। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, कम से कम चाहिए, कम से कम दो कहाँ आ जाएगा, तीन में भी आएगा, चार में भी आएगा और पांच में भी आएगा। तो यहां पर तो हमने अरेंज दो फ्लैग कर लिए, अब हम कर रहे हैं अरेंज थ्री फ्लैग ऊपर नीचे, ठीक है। तो तीन फ्लैग कर रहे हैं यूज आपके पास, इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी, ठीक है, इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी। तो यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ पर बी लिख सकता हूँ, यहाँ पर सी। अब आप देखो अगर मैं अब दूसरा तरीका ले रहा हूँ, तो दूसरा तरीका यूज करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि आपका ए में हम कितने तरीके के फ्लैग यूज कर सकते हैं, पांच, ठीक। जब हमने ए में पांच तरीके के फ्लैग यूज कर लिए, तो बी में हम कितने तरीके से यूज करेंगे, चार तरीके से, राइट। अब ए और बी फ्लैग यूज कर चुका है, तो इवेंट सी जो होगा वो कितने तरीके से यूज करवाएगा, तीन तरीके से, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट होंगे, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट होंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट मतलब ये जो बॉक्सेज हैं, ये आपका एक बार में दो फ्लैग यूज कर रहा है, एक बार में तीन फ्लैग यूज कर रहा है, तो इसका मतलब एक बार में कितने नंबर ऑफ इवेंट हो जाएंगे। आप देखोगे पांच का यूज हो जाएगा, चार का यूज हो जाएगा, तीन का यूज, पांच चौके 20, 20 30 60, यहां से 60 इवेंट निकल के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, हमारे पास टोटल फ्लैग कितने हैं, पांच, और हमें लास्ट टाइम तक पांचों के पांच फ्लैग ऊपर नीचे लगाने हैं, तो तीन तो लगा चुके हैं, बाकी चार की बारी, चार की बारी, एक दो तीन और चार। यहां पर मैंने क्या किया, अरेंज फोर फ्लैग्स, यहां पर चार फ्लैग्स का यूज किया, ठीक है, जो कि इवेंट ए है, इवेंट बी है, इवेंट सी है, इवेंट डी है। अब ए में मैं कितने तरीके से फ्लैग लगा सकता हूँ, पांच सौ पांच तरीके से, बी में मैं कितने तरीके से फ्लैग लगा सकता हूँ, चार तरीके से, सी में मैं कितने तरीके से फ्लैग लगा सकता हूँ, तीन तरीके से, ठीक है, तीन तरीके से, और इवेंट डी में कितने तरीके से लगा सकता हूँ, दो तरीके से। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, कि कम से कम दो फ्लैग यूज करने हैं यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, तो 5 चौके 20, और ये आपका 6 हो जाएगा, 20 गुना 6 120 तरीके से यहाँ यूज हो रहे हैं इवेंट। अब लास्ट वन करते हैं, अरेंज सारे के सारे फाइव फ्लैग, अरेंज फाइव फ्लैग्स, ठीक है, तो अरेंज कर दो इसको भी, एक दो तीन और ये चार और पांच हो गए, ठीक है। यहाँ पर इवेंट कितने हो गए, ए बी सी डी ई, ओके। ए में कितने यूज किए, पांच के पांच यूज किए, बी में चार यूज किए क्योंकि ए में एक यूज हो चुका है, सी में तीन
तीन यूज हो गए, क्योंकि एक ए में यूज हो चुका है, एक बी में यूज हो चुका है, तो सी में तीन हो जाएंगे। एज इट इज डी में टू यूज हो जाएंगे, फाइव ई में वन यूज हो गया। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी होगी अगर एक साथ काम हो रही है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ इवेंट 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? यहाँ से भी 120 निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ से भी 120 निकल के आएगा, ठीक है। तो अब अरेंज फाइव फ्लैग है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर मैं। ये आपका इवेंट ऑफ फाइव लिख सकता हूँ, इवेंट ऑफ फाइव लिख सकता हूँ, ठीक है। अरेंज फोर फ्लैग को मैं क्या लिख सकता हूँ? इवेंट ऑफ फोर लिख सकता हूँ, इवेंट ऑफ फोर लिख सकता हूँ। अरे ऑफ की जगह ब्रैकेट यूज करेंगे, ऑफ की जगह क्या यूज करेंगे? ब्रैकेट यूज करेंगे। अरेंज थ्री फ्लैग्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इवेंट ऑफ थ्री लिख सकता हूँ, इवेंट ऑफ थ्री लिख सकता हूँ। अब अरेंज टू फ्लैग, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इवेंट ऑफ टू लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखोगे इवेंट ऑफ टू एक बार में काम करेगा, ठीक है। इवेंट ऑफ थ्री एक बार में तीन फ्लैग का यूज किया, इवेंट ऑफ यहाँ पर सॉरी फोर आएगा, फाइव की जगह फोर आएगा। इवेंट ऑफ फोर एक बार में चार फ्लैग का यूज किया, इवेंट ऑफ फाइव पांचों के पांचों फ्लैग का यूज किया। तो अब हम टोटल रिक्वायर्ड, यहां से हम क्या निकालेंगे? टोटल रिक्वायर्ड ऑफ सिग्नल निकालेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल, कितने सिग्नल मिले। देखो जब मैंने दो फ्लैग अरेंज किया तो एक बार में कितने इवेंट आए? 20, ठीक। जब मैंने तीन किया एक बार में 60, जब मैंने चार किया एक बार में 120, पांच किया एक बार में 120, ठीक है। तो ये आपके एक साथ काम थे, लेकिन अलग अलग कौन से काम आपके, अलग अलग कौन से काम है? इवेंट इवेंट ऑफ टू ये आपका अलग काम है, ठीक है। या तो आपने इवेंट ऑफ टू किया है, या फिर इवेंट ऑफ थ्री किया है, या फिर इवेंट ऑफ फोर किया है, ठीक है, इवेंट ऑफ फोर किया, या फिर आपने एक बार में इवेंट ऑफ फाइव किया है। तो आपने ये सारे के सारे काम एक बार में नहीं किए, ये सारे सारे काम आपको एक काम को करने में एक टाइम लगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से टोटल इवेंट कितने हो, इवेंट ऑफ टू कितने आए थे? 20 आए था। इवेंट ऑफ थ्री कितना आया था? 60 आया था। इवेंट ऑफ फोर कितना आया? 120 आया। इवेंट ऑफ फाइव कितना आया? 120 आया। और का मैंने क्या बताया था? एडिशन बताया था। और का मैंने क्या बताया था? एडिशन बताया था। बस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80 और 120, 200, 200 और 120 कितना हो जाएगा? 320 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे 7.1 के, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। और बेसिक सा कॉन्सेप्ट था 7.1 का, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का, ठीक है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपने यहाँ की एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।